दोस्तों यदि आप अतिथि शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए एक और मौका है और आपके लिए खुशखबरी है कि अतिथि शिक्षक का जो 2019-20 का रजिस्ट्रेशन है वो चालू हो चुका है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करनी है, आपको कैसे फॉर्म भरना है, कंप्लीट डिटेल आपको बताएंगे। जो लोग पहले रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं उनका अगर वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो वो भी कैसे करवा सकते हैं, सारी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमको 5 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर दिए हैं। दोस्तों आप सबकी वजह से ही दोस्तों हमारा चैनल इतना नंबर वन पहुंचा है। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सरकार की तैयारी और शिक्षा संबंधी जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। और साथ ही साथ अगर आप एमपी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एमपी परीक्षा ऐप के माध्यम से शिक्षक वर्ग 2 एमपीएसआई आरआर की तैयारी कर सकते हैं और इसमें 40% की छूट मिलेगी। अगर आप कोई टेस्ट सीरीज परचेस करते हैं तो उसमें 40% छूट के लिए आपको डीड वाली ऐप GOV40 कूपन कोड उपयोग करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर क्या आई है खुशखबरी, तो आपको बता दें कि यहां पर एजुकेशन पोर्टल पर आज ही दिनांक 27/2019 को एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उसको पहले हम थोड़ा सा पढ़ देते हैं, उसको हम पूरी प्रोसेस समझाएंगे। अगर आपको प्रोसेस समझना है कि रजिस्ट्रेशन कहां से करना है तो अंत तक बनना है। यहां पर लिखा हुआ है सेकंड सत्र 2019-20 के विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों के लिए इच्छुक नवीन आवेदकों का पंजीयन एवं पूर्व पंजीयन की जानकारी अद्यतन, मतलब कि आपको नया पंजीयन कराना है तो उसके लिए सिंपल सी बात है, सारा चीज आपको नहीं पढ़ता हूं, इतना टेंशन देने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है। कक्षा 1 से 5, 6 से 12 के लिए संगीत शिक्षक एवं कुल के शिक्षक के लिए अतिथि शिक्षक रखे जाने हैं। नवीन व्यावसायिक शिक्षक अंतर्गत चिन्हित स्कूलों में संचालित ट्रेड अध्यापन हेतु वोकेशनल ट्रेनर भी रखे जाने हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर आपको पैनल तैयार करने हैं, निर्धारित योग्यता पंजीकरण की कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है। यहाँ पर ये आपके काम कीजिए, पंजीकरण की तैयारी की जा रही है। अब इसमें देखिए आप क्या दिक्कत है कि नवीन आवेदक जो है उन्होंने गतिगत पंजीयन नहीं करवाया है, उनको इस वेबसाइट के माध्यम से जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, अब हम आपको पंजीकरण का तरीका समझाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप बता दें कि जिन्होंने पंजीकरण कर दिया था उनका सत्यापन नहीं हुआ था वो भी संशोधन अपडेशन कराकर सत्यापित करवा सकते हैं। एक बड़ी बात है ये, क्योंकि कई लोगों का सत्यापन लास्ट टाइम नहीं हुआ था। पंजीकृत एवं सत्यापित आवेदन अगर हो चुके हैं तो आवेदन को निर्धारित प्रक्रिया में अनलॉक करने के उपरांत जानकारी में संशोधन अपडेशन सत्यापित भी करा सकते हैं। यानी कि आपने अगर लॉक कर दिया था, आपकी कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन बढ़ गई है या फिर आपने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है उसको आप इसमें एड ऑन कर सकते हैं। कई लोग का बीएड नहीं था वो बीएड इसमें अपना लगा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि रजिस्ट्रेशन आखिर नए लोगों को कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको जाना है एजुकेशन पोर्टल पर। एजुकेशन पोर्टल पर आप जाओगे तो यहाँ मेन मेन्यू में जाकर यहाँ पर लिखा है गेस्ट फैकल्टी पर क्लिक करोगे, सबसे ऊपर यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा रजिस्टर हियर, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म भर जाएगा। ये सिंपल सा फॉर्म है, सारी जानकारी आपको देखकर टाइम बर्बाद नहीं करूंगा आपकी, लेकिन हाँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जो भी है मिडिल नेम आपको भरना है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह भरनी है, जेंडर भरना है, मेरिटल स्टेटस, सिंपल सी सारी जानकारी है, आधार कार्ड की डिटेल वगैरह सब कुछ लगेगी। तो सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखें, आपकी एजुकेशन डिग्री तैयार रखें, इसके बाद सेव करेंगे, आपको दो तीन स्टेप के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको सत्यापन कराने के लिए आपके जो स्कूल है, कोई आपको स्कूल रहता है आसपास सब स्कूल प्राचार्य के पास आपको जाना पड़ता है, वहां पर आपका आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। अगर इसके अलावा आपको कोई जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखें। बिल्कुल आप रजिस्ट्रेशन कराने के बाद संकुल प्राचार्य के पास जाकर, जो नियरेस्ट संकुल प्राचार्य है उसके पास जाकर आपका रजिस्ट्रेशन, आपके मोबाइल पर एक कोड आएगा। हाँ एक बार बता दूं, मोबाइल पर एक कोड आता है, पासवर्ड आता है, वो सारी चीज आप संभाल के रखिएगा क्योंकि कई बार वो चीजें काम आती है। और वो घुमाना मत, कहीं लिख लेना, अपने दोस्तों को शेयर मत करना, अपने परिवार वालों को किसी बार लिख के रखवा देना, क्योंकि कई लोग घूम जाते हैं तो बहुत परेशान होते हैं, SMS वहां से आता नहीं है, आप लड़क जाते हैं एक दो दिन के लिए। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें, उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, हम आपको डेली नया और ऑथेंटिक और सही जानकारी लाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। हाँ वर्ग 1 वर्ग 2 के संबंध में एक बहुत बड़ी खबर हमारे पास है, न्यूज है उसकी, शिक्षक भर्ती कैंसिलेशन चक्कर में जो भी न्यूज है उसको हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जय भारत।